وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ये किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानिशमंद लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और नसीहत हासिल करें। अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आल सय्यिदना मुहम्मद बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन मिता अल्फ अल्फ मर्रतिन। اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم। سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। سامعین کرام سورہ نحل آیت نمبر 105। سامعین کرام آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ جھوٹے ہیں। इसके साथ ही सामिन इकराम आइए आज के सबक का आगाज करते हैं। सबसे पहले गुज़श्ता आयत की दोहराई होगी। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ। और बेशक हम जानते हैं कि वो कुफार और मुशरिकीन कहते हैं कि उन्हें ये कुरान महज कोई आदमी ही सिखाता है। जिस शख्स की तरफ वो बात को हक से हटाते हुए मंसूब करते हैं उसकी जुबान अजमी है और ये कुरान वाज़े रोशन अरबी जुबान में है। إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم। बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उन्हें हिदायत यानी सही फहम व बसीरत की तौफीक भी नहीं देता और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सामने कराम सूरह नहल आयत नंबर 105। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब, बेशक बांधते हैं झूठ वो अल्लज़ीना वो लोग ला युमिनून बे आयतिल्लाह जो अल्लाह ताला की अहकाम जो अल्लाह ताला की निशानियों पर ईमान नहीं लाते वो उलाइका हुमुल काज़िबून और यही लोग झूठे हैं। सामने कराम गुज़श्ता सबक में कुछ तो हमने मज़मून कहा था कि इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बे आयतिल्लाह ला यहदीहिमुल्लाह जो लोग अल्लाह ताला की निशानियों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं देता और इनके लिए अलीम दर्दनाक अज़ाब है। अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। सामिन इकराम हिदायत का ना मिलना सिर्फ मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूँ सिर्फ हिदायत का न मिलना और सीधे रास्ते पर न चलना ही ये एक दर्दनाक अज़ाब की तरह है। मैं थोड़ा सा एक मिसाल के ज़रिए आपको ये बात बताता हूँ। वो ये है कि देखें सफ़र आप कर रहे हैं सफ़र एक तवील सफ़र है मिसाल के तौर पे मर्दान से कराची का लेकिन और चलें ये भी मान लें कि रास्ता रोड एक है ये भी मान लें कि रोड के इर्द गिर्द रोड नहीं है बल्कि
मकानात भी नहीं है, जैसे कि बाज़ वक्त बिल्डिंगें आ जाती हैं या ऐसे दरिया आ जाते हैं या जो, ये नहीं है, लेकिन रोड नहीं है और उबड़ खाबड़ रास्ता है। ज़ाहिर है कि रोड तो रोड है और बाकी जो रास्ता नहीं है, तो अगर आप रोड को छोड़ के, ये तवज्जो से ज़रा साहब बात सुने, रोड सीधे रास्ते को छोड़ के अगर आप सड़क से उतर जाएंगे तो वो सफ़र आपके लिए, आप देख लें तवील सफ़र है, कितना दुश्वार होगा। कभी कोई छोटा गढ़ा आ जाएगा, कभी कोई बड़ा गढ़ा, और कभी आप ठीक है कभी कभी स्ट्रेट रास्ता होगा, लेकिन अक्सर चूंकि रास्ता बना हुआ नहीं है तो वो फिर आप यकीनन आप एक गाड़ी में हैं, बेहतरीन गाड़ी है मिसाल के तौर पे, लेकिन अगर रास्ते पे आप नहीं चल रहे, सीधे रास्ते पर आप नहीं चल रहे, बनी हुई सड़क पे नहीं चल रहे, सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे, तो वो फिर तो रोड बनी नहीं है, उस पर आप कैसे चलेंगे, तो ये फिर आपको कितनी परेशानी होगी। थोड़ी सी मैंने ये मिसाल देनी थी। और अब आ जाए हकीकत की तरफ। देखें, इंसान ज़िंदगी पाता है और ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला की तरफ से इसे एक ज़िंदगी दी गई है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वलकुम फिल अर्द मुस्तकर व मताउन इलाहीन, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक मुस्तकर आर्जी ठिकाना है और थोड़ा फ़ायदा लेना है। तो ज़िंदगी सामान्य करम बजात खुद एक सफ़र है, मौत तक का एक सफ़र है। और इसमें दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की निशानी कि अल्लाह का रसूल आया है और वो अल्लाह ताला का रास्ता बताता है और वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। अगर कोई इंसान, ये बात ज़रा तवज्जो से सुने, अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से सिरात मुस्तकीम को छोड़ के दूसरी राहों पर चल निकलता है जो कि रास्ता नहीं है, हकीकत में रास्ता नहीं है वो, तो फिर आप इसकी मिसाल वही है कि जो सीधे रास्ते को छोड़ के गलत रास्तों पर चलते हैं, तो एक तो यह है कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये बात ज़रा नोट कर लें, जो मिसाल मैंने आपको अर्ज़ की उसमें तो ये हो सकता है कि आप सड़क को छोड़ के टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर चलना शुरू कर दें, लेकिन रुख आपका अगर कराची ही हो, मर्दान से कराची, तो यकीनन ठीक है लेट पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला तक एक ही रास्ता जाता है। वअलल्लाह कस्दुस सबील, अल्लाह के ज़िम्मे है वो सीधा रास्ता बताना, और बाज़ रास्ते टेढ़े हैं, वमिनहा जायर, बाज़ रास्ते टेढ़े हैं जो अल्लाह तक नहीं पहुँचते। टेढ़ा रास्ता गुमराही का रास्ता है सामने कराम, सीधा रास्ता एक है और वो अल्लाह तक जा पहुंचता है। तो अगर सामिन इकराम ये आयत अगर आप दोबारा पढ़ें, जो हमने 104 नंबर पढ़ी है आयत, कि जो ईमान नहीं रखते अल्लाह की निशानियों पे उनको हिदायत नहीं मिलती, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था कि ये दर्दनाक अज़ाब जो है ये दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। तो आप पूछेंगे कि भाई दुनिया में किस तरह है दर्दनाक अज़ाब? देखें, वो अज़ाब जो है वो ये है कि आप जो, चले मैं कुरानी की रूह से मैं आपको बता दूं, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दुनका, जिसने भी मेरी याद से मुंह मोड़ लिया उसकी ज़िंदगी मैं उस पर तंग कर दूंगा। फ़इन्न लहू मईशतन दुनका, इनकी मईशत यानी ज़िंदगी मैं इन पर तंग कर दूंगा, यानी परेशान हाल, बदहाल और बदहाल होंगे और पुरसकून ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। ये चैलेंज है सामिन इकराम, कुरान का चैलेंज है, मैं तो किसी उसके खाते में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला का ये एक वादा है उन लोगों से जो अल्लाह ताला की याद को भुला देते हैं। क्या मतलब? अपने मकसद हयात, अल्लाह ताला को भूल के अपने आप को ये भूल जाते हैं, अपने मकसूद को भुला देते हैं, अल्लाह को मकसद नहीं बनाते और
इधर उधर फिर जो है अल्लाह ताला को भुला के ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर उनके ये एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, दर्दनाक अजाब। देखें ना, बाज़ वक्त शोहर बीवी में तू तू मैं चक चक ये होती रहती है, और फिर औलाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और ख़ानदान में बल्कि सारे जग में फसाद बरपा हो जाता है। ज़हरल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, बर बहर में अल्लाह ताला फरमाते हैं फसाद बरपा है, क्यों? कि ये लोगों के अपने करतूत हैं कि वो सीधे रास्ते पर नहीं चलते और गलत रास्तों को उन्होंने अपनाया हुआ है। सामने कराम, तो एक बात तो ये नोट कर लें, वलहुम अज़ाबुन अलीम, यहाँ दिल को दर्द होगा, दिल आपका बेचैन होगा, परेशान हाल होंगे, वलहुम अज़ाबुन अलीम। तो एक तो ये बात है, दूसरी आज का जो सबक है सामने कराम, पहले मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब, आप बेशक झूठ बांधते हैं, गढ़ते हैं झूठ, यफ्तरी गढ़ते हैं झूठ वो लोग जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते, और वो यही लोग झूठे हैं। तो सामने कराम, थोड़ा सा जहन को फारिग कर लें, इधर उधर के ना दर्स की तरफ तवज्जो करें, ताकि आप ये समझ सकें, तमाम आयात रब्बानी को समझ सकें। तो इन्नम यफ्तरिल कज़िब, झूठ तो वो बांधते हैं, वो लोग बांधते हैं, ला युमिनून बे आयतिल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं करते, और यही लोग झूठे हैं। ये मज़मून थोड़ा सा सियाक व सबाक के साथ इसका रब्त देखें, और मज़मून शुरू है कालू इन्नमा अंत मुफ्तर, काफिर कहते थे कि आपने ये घड़ा हुआ है, फिर कहते थे कि नहीं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, ये किसी इंसान का सिखाया हुआ कलाम है इसका, यानी क्या मतलब, वो कहते थे कि भाई इन्होंने नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, रसूल जो है झूठ गढ़ रहा है। तो उसका ये जवाब, इस आयत में उसका जवाब दिया जा रहा है, और ये मज़मून चला आ रहा है। यहाँ यह है इन्नमा यफ्तरिल कज़िब ला युमिनून बि आयतिल्लाह, झूठ तो वो लोग मानते हैं, यानी उन बातों का जवाब दिया जा रहा है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब, झूठ तो वो लोग मानते हैं जो अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं लाते, और यही लोग झूठे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि रसूल तो ख़ुद अल्लाह ताला की एक निशानी है, जिसकी तुम नज़ीर नहीं पेश कर सकते। दूसरा, ये कलामुल्लाह जो है ये भी झूठ नहीं है, ये भी अल्लाह ताला का कलाम है, और झूठ तो अल्लाह ताला हकीकत बयान कर रहे हैं कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते वो झूठ गढ़ते हैं। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीन ला युमिनून बि आयतिल, अल्लाह ताला की निशानियों पर अगर आप ईमान नहीं लाते तो आप फिर झूठे हैं। ये बड़ा गहरा, थोड़ा सा गहरा मज़मून है, थोड़ा सा इसमें तदब्बुर और ताक़ुल की ज़रूरत है। सामने कराम, अक़ल से काम लें, थोड़ा सा फ़िक्र करें कि इस आयत में बताया जा रहा है उलाए का हुमुल काज़िबून, यही लोग झूठे हैं, कौन? कि जो ला युमिनून बि आयतिल्लाह है। यानी इसमें एक बात है सामने कराम, इस आयत में एक बात है कि जो लोग अल्लाह ताला की निशानियों पर ईमान नहीं लाते वो झूठे हैं, उलाएका हुमुल काज़िबून। अब देखें, हम चलें वो शान नुज़ूल के मुताबिक जो लोग थे झूठे थे, जो अल्लाह ताला की निशानियों पर ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह के रसूल पे और अल्लाह के कलाम पे, हम आज अपने आप को देखें कि क्या हम रसूल पे ईमान रखते हैं, क्या हम अल्लाह के कलाम पे ईमान रखते हैं? ये दोनों निशानियां हैं, और इस वक्त आयात की जो तफसील हो रही है तो उसमें हमने यही तय किया है कि निशानियां, आयतुल्लाह से मुराद यहाँ अल्लाह ताला की ये दो बड़ी निशानियां हैं, कुरान और साहिब कुरान। देखिए, रसूल मा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह,
अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने कोई रसूल नहीं भिजवाया लेकिन इसलिए कि उसकी इताअत की जाए, इल्ला कि उसकी इताअत की जाए। जिसकी तरफ रसूल भिजवाया गया है तो वो उनकी इताअत करें। अब रसूल की इताअत नहीं है आज, फिर कुरान क्या है? कुरान क्यों आया है? कुरान इसलिए आया है कि वकज़ालिक अनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यन लिन्नास मा नुज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून या यतज़क्करून है, या वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। इस कुरान को मैंने, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सोचने समझने के लिए आसान कर दिया है, बस है कोई जो इससे नसीहत हासिल करे या सोचे समझे। तो ये कुरान पर सोचना और समझना और इसमें गौर करना, इसमें तदब्बुर करना, इसमें तफक्कुर करना, इसमें ताक़ुल से काम लेना, ये हमारी डिक्शनरी से ये बात निकल गई है सामने की। मैं बिल्कुल, यानी देखिए मैं भी इसी माशरे का एक फ़र्द हूँ, मैं देख रहा हूँ खुद, यानी ये माशरा मेरे सामने है, आपके भी सामने है। तो माशरे से एक तो ये है कि ये जो बुनियादी चीज़ है ना सामने कराम, वो ये है कि हम भटक गए हैं, भटक गए हैं। बातिल को हमने हक समझ लिया है और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हक को हम बातिल समझ बैठे हैं। हक को अबस समझ बैठे हैं और जो कारे अबस है उसको हमने हक समझ लिया है। हक तो अल्लाह है और दुनिया जो है, अगर अल्लाह की याद ना हो तो ये दुनिया आबस है, बेफायदा है। इंसान दुनिया में इसलिए आया है कि ये अपने आप को पहचान के अल्लाह को मकसूद बना के दुनिया को इस्तेमाल करे। अगर ये इस्तेमाल की चीज़ ही से मोहब्बत करना शुरू कर दे और जो मकसद है उसको ही बेफायदा समझे या मकसद के काबिल ना समझे, तो फिर मतलब आप सोच लें फिर क्या होगा। ये तो जो झूठे लोग हैं जो अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं रखते, कुरान और साहिब कुरान दो चीज़ें हैं समझना, तो ये लोग झूठे हैं। अल्लाह ताला इस आयत में सूरह नहल की आयत नंबर 105 में ये बयान फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की निशानियों पर ईमान नहीं रखते, ईमान मतलब यकीन नहीं करते। अब मैंने आपको बताया ना कि कुरान है और साहिब कुरान है। आज मैं और आप जिस माशरे में रह रहे हैं वो इन दोनों चीज़ों पर ईमान, दिल से ईमान नहीं रखते। कुरान हमारे जहन में, हमारे हिसाब से कुरान एक मुतबर्रिक किताब है कहते हैं, अल्लाह का कलाम है हम कहते हैं, लेकिन इसको हमने महदूद कर दिया है तिलावत तक, किरात तक और इसको इसका रट्टा लगाने पे, इस तक महदूद कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, कुरान को हिफ्ज़ करना अच्छी बात है, उसके दर्जात हैं, कुरान का तिलावत करना बायस सवाब है, कुरान को नाजरा पढ़ना, तरतील से पढ़ना, ये सब होनी चाहिए, लेकिन हमने महदूद कर दिया है, हमने महदूद कर दिया है कि हमने बस यही है। और फिर कुरान बाज इसके इस्तेमाल के जो ज़रिए हैं, एक आप प्रोग्राम शुरू करते हैं तो दुनिया का कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, पहले आप तिलावत कर लेते हैं। ये आम तौर पे आप देखें ना असम्बली में क्या होता है, एक दूसरे पर ज़ाती हमले, बहतान और गइबतें और एक दूसरे से जंग। लेकिन इस महफिल मौसीकी जो आपके पार्लियामेंट में होती है, इसका आगाज़ आप तिलावत कुरान से करते हैं। रस्सा कशी, इक्तदार की रस्सा कशी, एक तरफ हज़्ब इक्तदार है, एक तरफ पे अपोजिशन है, अपोजिशन और इक्तदार इन दोनों में जंग एक जारी है, अपोजिशन लाजमी होगी। ये तो मैं इसकी तफसील नहीं करता ना मेरा यह मौजू है सामने करम, लेकिन मैं कुरान की बात कर रहा हूँ कि आप उस लाहासिल गुफ्तगू जिसका कोई हासिल नहीं है,
اور وہ جھگڑا اور ایک دھینگا مشتی اس کا آغاز آپ تلاوت قرآن سے کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ صبح جو آپ کے اسکولوں میں ہوتی ہے, بہرحال میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, لیکن ہمارا ایمان نہیں, اس کو ہم کتاب ہدایت نہیں مانتے کیونکہ ہم اس سے ہدایت نہیں لے رہے. صاحب نے کہا اگر ہدایت لیتے تو پھر تو ٹھیک تھا بات, لیکن جو لوگ ایمان جس کا یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ آیت ہے سامعین کرام 105 نمبر سورہ نحل کی, جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے. اب رسول کی ذات پہ ہمارا یہ یقین نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کا اتباع کرنا چاہیے, ان کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا چاہیے, یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, یہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, اپنی مرضی سے اپنا گیٹ اپ بناتے ہیں, اپنی شکل کا صورت کا, پھر معاشرے میں ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی مرضی سے نہیں رہ رہے, ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے, باطل کو ہم مقصد بنا کے جی رہے ہیں. سامعین کرام آخرت ہمارا مقصود ہی نہیں ہے. یہ مضامین سامعین کرام قرآن سے ہدایت اگر ہم محدود کر دیں کہ یار یہ تو وہ مشرکین مکہ کے لیے تھی, یہ ہم پہ کیوں فٹ کر رہا ہے, تو پھر یہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہوئی کیسے؟ اس کو محدود نہ کریں. ہر آیت جو ہے یہ آئینہ ہے ہمارے لیے, اس میں اس کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھیں, اس کے ترازو میں ہم اپنے آپ کو تولنا ہوگا. سامعین کرام اگر ایسا ہم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین نہیں رکھتے کہ یہ کتاب ہدایت ہے, اور جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ لوگ جھوٹے ہیں, اور پھر یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. انما یفتر الکذب. اب دیکھیں ہم نے آئین میں تو آپ نے لکھ دیا ہے, یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے تو یہیں سے مثالیں دینی اپنے معاشرے سے. آئین میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ قرآن سپریم لا ہے, لیکن کیا واقعی آپ اس کو سپریم لا مانتے ہیں؟ کتنے چوروں کے آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں, کتنے ڈاکوؤں کے آپ نے پاؤں ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں, کتنے زانیوں کو آپ نے سنسار کیا ہے یا ان کو کوڑے مارے ہیں, کتنے شرابیوں کو آپ نے کوڑے مارے ہیں؟ کیا مطلب ہمارا یقین نہیں ہے؟ قرآن اور رسول کے جو احکامات ہیں اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے, تو پھر ہم جھوٹ گھڑتے ہیں. یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ قرآن سپریم لا ہے. کیسا سپریم لا ہے؟ ایک جج آپ کے کہتے ہیں کہ میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو فیصلہ دے سکتا ہوں, قرآن کے مطابق میں فیصلہ نہیں دے سکتا. یہ ریکارڈ پہ ہے آپ کے, ابھی یہ 2016 میں یہ بات ہوئی ہے, ابھی 2017 چل رہا ہے. ایک جج کہتا ہے کہ میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق تو فیصلہ دے سکتا ہوں, قرآن کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق میں فیصلہ نہیں دے سکتا, میرے پاس اختیار ہی نہیں, وہ قانون ہی نہیں ہے میرے پاس. تو آپ نے ویسے لکھ دیا ہے. تو یفتر الکذب اور کسی کہتے ہیں, جھوٹے ہی جھوٹ گھڑتے ہیں, اور جو جھوٹ کے مظاہر عام ہیں سامعین کرام, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اس آیت کو دیکھ لیں, اس کے آئینے میں اپنی شکل دیکھیں. آج یہ تو اجتماعی طور پہ بات ہے, ہم اپنی زندگی میں کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے؟ قرآن کے احکامات, قرآن فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ, نماز قائم کرو زکاۃ دو. کتنے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں نمازی, کتنے ہیں؟ آپ دیکھیں اذانیں ہوتی رہتی ہیں, کاروبار حیات چلتا رہتا ہے, بازار کھلے رہتے ہیں, اور چلتے رہتے ہیں, اذانیں ہوتی رہیں, بازار آپ کا بند نہیں ہوتا. تو بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. پھر زکوٰۃ
कि देने वाले कितने हैं। ज़कात अगर सही तरीके से दी जाए, ये 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, इसमें जो साहिब ज़कात लोग हैं, यानी जो ज़कात जिन पे फ़र्ज़ है, तो वो अगर अपनी ज़कात दें तो यहाँ गुर्बत नहीं रहेगी। लेकिन वो ज़कात सही तरीके से कोई दे नहीं रहा, बाद लोग तो देने से इनकारी हैं, लाखों की करोड़ों की ज़कात बनती है वो नहीं देते, बाद लोग ऐसे भी हैं ना, चलें हज़ारों में बनती है, हज़ारों में भी अपनी मर्ज़ी से फिर अपने, बहरहाल ये देखें हमने झूठ गढ़ा हुआ है। ये ज़िंदगी हमारी, इसकी बुनियाद जो है ना सामने कराम, इसकी बुनियाद जो है ये झूठ पे है। ओह, और ये मज़मून अगर मैं आपको एक और आयत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं, ये सूरह बकरा की है, अफमन उससे सबुनियान हो आला शफा जुरुफ इनहार इनफनहार भी फी नार जहन्नम, जिसने अपनी इमारत की बुनियाद एक खाई के किनारे, एक गड़े की खाई के किनारे जो आग के किनारे कायम है, उसके किनारे हमने बनाई हुई है अपनी इमारत। सामने कराम ये गौर तलब मजामीन है, इस पर सोचना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मिसाल दी, अमन अस्स बुनियान हो अला तक्वा मिनल्लाह खैरुन अमन अस्स बुनियान हो अला शफा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नार जहन्नम, कि देखिए हमने अपनी इमारत की बुनियाद दोजख के गड़े पे बनाई हुई है, उसकी बुनियाद ईमान बिल्ला पे नहीं है, वो दोजख के गड़े पे है। और दोजख का गड़ा क्या है? दुनिया और माफ़ीहा। अगर इसकी मोहब्बत में आप पड़ गए, इसको अपने आपने हासिल ज़िंदगी बना लिया, तो आप गड़े इस गड़े में, यानी दोजख के गड़े में लाजमन जाएंगे। सामने कराम ये दुनिया किसी, दुनिया और माफ़ीहा किसी को जन्नत में नहीं ले जाती, हाँ जन्नत में ले जाने का बाइस बन सकती है अगर आखिरत को आप मकसूद बना ले, अल्लाह को अपना मकसद हयात बना ले, तो फिर तो ये दुनिया आपको जन्नत में ले जाएगी। लेकिन अगर आपने अल्लाह की याद को भुला दिया तो ये दुनिया आपको फिर दोजख में ले जाएगी। सामने का ये बात नोट कर लें। तो ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद जो है ना, वो झूठ पे है, एक ऐसा झूठ जो बिल्कुल झूठ है। और झूठ क्या है कि दुनिया हमें मकसूद, हमें हमारा मकसूद, हमें मकसूद दुनिया है। दुनिया पे देखें आप खुश होते हैं, आमद पे आप खुश होते हैं, और दुनिया के नुकसान पे आप खफा हो जाते हैं, फिर आपका मुस्तकबिल दुनिया तक महदूद है, ठीक है। तो ये सारा झूठ है सामने निकला। दुनिया तो हमारा मकसद बन ही नहीं सकता, वो हाथ आएगी नहीं आपकी, मौत के वक्त सब कुछ छूट जाएगा, तो ये कैसा मकसद हुआ जो मौत के वक्त आपका साथ छोड़ दे। असल तो वो चीज़ है जो मौत के वक्त आपको हासिल हो, नेक आमाल, आमाल सालेहा जो है वो मौत के वक्त भी आपके साथ रहेंगे, वो मौत के वक्त आपको कलिमे तैयबा पर साबित कदम रखेंगे। लेकिन अगर दुनिया मकसूद व मतलूब व महबूब बन गई सामने कराम, तो ये आपके हाथ भी नहीं आएगी और ये आपको दोजख में ले जा के डालेगी सामने कराम। ये बात ज़रा नोट कर ले। तो झूठे कौन लोग हैं जिनका ईमान नहीं है अल्लाह ताला की निशानियों पे? कुरान और साहिब कुरान, मैं तिलावत करता हूँ, मेरे साथ दोहराइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा यफ्तरिल कज़िबल लज़ीना ला युमिनून बिआयातिल्लाह, أولئك هم الكاذبون। तर्जुमा सुना दीजिए। إنما يفتري الكذب الذين बेशक घड़ते हैं झूठ वो लोग, لا يؤمنون بآيات الله, जो अल्लाह ताला की निशानियों पर यकीन नहीं रखते। वह उलाय का हमुल काजिबून,
यही लोग झूठे हैं। सामिने कराम, अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. It is those who do not believe in God's revelations who fabricate falsehood. These are the liars. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।